हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपते। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी एजुकेशन चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई अभी खत्म हो रही है और या खत्म हुई होगी। पढ़ाई खत्म होने के बाद आपका जो मेन टारगेट रहता है वो रहता है जॉब सर्च। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एजुकेशन आप सभी की एक इच्छा होती है कि अभी कहीं अच्छा जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसीलिए हम हमेशा पढ़ाई के बाद जॉब सर्च में रहते हैं, जॉब सर्चिंग करते हैं। डिफरेंट सोशल मीडिया पे अभी ये जॉब एडवर्टाइजमेंट आती है या फिर उस कंपनी के पर्टिकुलर साइट पे जॉब ओपनिंग्स की या फिर करियर के अंडर वहाँ पे उनके कंपनी में जो भी जॉब ओपनिंग्स है, जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ पे दी जाती है। लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये अब तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती या फिर जॉब कैसे ढूंढना है, कहाँ पे वैकेंसीज हैं, इसके बारे में भी आपको पता नहीं होता। इसीलिए फ्रेंड्स, मैंने ये आज का वीडियो बनाने का सोचा है ताकि इसमें इस वीडियो में आपके इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाउ टू सर्च दैट पर्टिकुलर जॉब कैसे ढूंढनी है। और इसमें कुछ डिफिकल्ट बात नहीं है, ये एक्चुअली सिंपल बात है, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि हाउ टू सर्च जॉब ऑन इंटरनेट और दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। तो इसीलिए, लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिन्हें ये पता नहीं है कि जॉब कैसे ढूंढना है या फिर वैकेंसीज है या नहीं उस पर्टिकुलर कंपनी में, ये मालूम कैसे करना है, क्योंकि कंपनी के नाम भी हमें मालूम नहीं होती, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री हो या फिर इंजीनियरिंग की कोई इंडस्ट्री हो, इसमें से हमें कंपनी के नाम मालूम नहीं होते तो जॉब कैसे ढूंढना है, ये भी यहाँ पे भी वो प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मैंने आज ये सोच लिया है ताकि अगर आपको पता चले कि पर्टिकुलर कंपनी में जॉब है या नहीं या फिर कंपनी का नाम कैसे ढूंढना है, तो सबसे ईजी बात जो हम सब यूज कर रहे हैं वो है हमारे मतलब गूगल। तो आपको सबको मतलब ये पता है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या फिर वर्ड्स हो, कीवर्ड्स हो, कोई भी नाम हम उस गूगल में टाइप कर देते हैं और एंटर मारने के बाद हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो जॉब सर्चिंग के लिए भी यही गूगल हमें यूज करना है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मैं आपको मतलब सबको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको कोई जॉब सर्चिंग के बारे में या फिर जॉब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई पर्टिकुलर नोट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी, चाहे वो फूड इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज हो, कौन से भी प्रकार की इंडस्ट्री के नाम अगर आपको सर्च करना है तो सिंपली आपको आप गूगल में सर्च कर सकते हो। इसीलिए कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, गूगल बाबा की जय बोलने का और गूगल में आपके ये नाम डाल के सर्च करने का, क्योंकि गूगल एक ऐसा ओपन रिसोर्स है या फिर फ्री सोर्स है। इंटरनेट हमारा वहाँ पे जाता है लेकिन हमें हर एक प्रकार की इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिलती है। तो इसीलिए आप गूगल में जो भी आपको इंडस्ट्री चाहिए वो आप सर्च कर सकते हैं। अभी कैसे सर्च करना है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के वेबसाइट पे जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज है या नहीं, ये कैसे सर्च करना है, ये पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस इंफॉर्मेशन का फायदा हो सके। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिए टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में हो, चाहे वो CSIR नेट एग्जाम के बारे में हो, और चाहे ये डिफरेंट जॉब ओपनिंग्स के बारे में हो, तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको इजिली मिल जाए। सो काइंडली सब्सक्राइब दिस माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपते। सो नाउ आई विल इन्फॉर्म यू और आई विल टेल यू हाउ टू सर्च दिस जॉब्स ऑन दिस गूगल और बाय यूजिंग गूगल। सो लेट्स स्टार्ट दैट। सो फ्रेंड्स,
अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि पर्टिकुलर जॉब सर्च कैसे करना है। आपको कोई भी कंपनी का नाम मालूम नहीं है और आपको जस्ट यू वांट टू डू दैट पर्टिकुलर जॉब इन अ पर्टिकुलर सिटी, तो उसी नाम से हमें ये सर्च करना है। उस सिटी का नाम वहाँ पे डालना है और कंपनी का नाम या जो भी आपको चाहिए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर आपको जॉब करना है या फिर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में आपको जॉब करना है या फिर कोई इंजीनियरिंग सेक्टर में आपको जॉब करना है, तो वैसे वहाँ पे टाइप करने का ये गूगल ब्राउजर हमारा यहाँ पे मैंने ओपन किया है। और आप मोबाइल में भी वहाँ पे सर्च कर सकते हो कि मोबाइल में नौसी सपोज अगर मुझे नागपुर सिटी में फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब सर्च करना है या फिर जॉब ओपनिंग्स है या नहीं, कौन से जॉब ओपनिंग्स है ये अगर मुझे देखना है, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन नागपुर। समझो यहाँ पे मैंने ये टाइप किया है, यहाँ पे अगर मैंने टाइप किया हुआ पहला था तो ये आ गया है यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन नागपुर। तो ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे गूगल पेज पे ये पूरे कंपनी जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है नागपुर में ये यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जब आप व्यू ऑल करेंगे तो यहाँ पे पूरी लिस्ट जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है नागपुर में वो मैप के साथ यहाँ पे ओपन हो रही है। तो ये अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनी ये हमने सर्च किया गूगल में फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन नागपुर, और उसके बाद ये पूरे कंपनीज यहाँ पे ओपन हो गए। ये सो देर आर सो मेनी कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर इन नागपुर और ये यहाँ पे ओपन हो गए। तो मोबाइल में अगर आपको देखने का है तो सेम गूगल ब्राउजर में ये आपका फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन नागपुर ये टाइप करने का, और उसके बाद वहां पे क्लिक करने के बाद वहां पे भी ये पूरी लिस्ट आएगी। उसमें खाली फर्क और डिफरेंस ये रहेगा, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे हमें वेबसाइट और डायरेक्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं तो उस नाम के आगे आपको मोबाइल में कॉल या फिर फोन का सिंबल दिखेगा वहां पे, और इस पर्टिकुलर नाम पे क्लिक करने के बाद उसकी डिटेल्स वहां पे ओपन हो जाएंगे। फिर बाद में ये ऑप्शन आएगा वेबसाइट वगैरह, ये मोबाइल में आ जाएगा इसी तरह से। लेकिन अगर जब आप लैपटॉप पे या आपके पर्सनल कंप्यूटर पे आप ये सर्च कर रहे हो तो गूगल में फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन नागपुर डालने के बाद आप यहाँ पे इंडस्ट्री चेंज कर सकते हो। समझो अगर आपको एग्रीकल्चरल कंपनी देखना है, फूड इंडस्ट्रीज देखना है, तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो एग्रीकल्चरल कंपनीज इन नागपुर या फिर फूड इंडस्ट्रीज इन नागपुर लाइक दिस। अगर सिटी आपको चेंज करना है तो उस पर्टिकुलर सिटी का नाम वहां पे डालने का। तो ये हो गई अलग अलग कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज नागपुर की। तो ये अलग अलग कंपनीज पे अगर आपको पर्टिकुलर कंपनी में जॉब देखना है, समझो जस्ट आई विल शो वन एग्जाम्पल हियर। सपोज अभी ये मेडली फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ये नागपुर की कंपनी है, ये पूरे नागपुर की कंपनीज आ गई यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड आ चुकी है। ये पेज नंबर है, अगर आप सेकंड पेज पे जाओगे तो दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो नागपुर की ही है वो ओपन हो जाएगी, उनके नाम्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो इसी तरह से जब आप अगर आपको वैकेंसीज अभी देखनी है, समझो मुझे ये मेडली फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी में वैकेंसीज है या नहीं या फिर कौन सी जॉब ओपनिंग्स वहां पे है ये अगर मुझे देखना है, तो आई विल क्लिक ऑन दिस सिंबल हियर दैट इज ऑफ वेबसाइट। तो इस पे क्लिक करने के बाद ये जो मेडली फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो वेबसाइट है ये यहाँ पे ओपन हो जाएगी। सो हियर देयर इज नो सी दिस इज द पेज इज ओपन दैट इज दैट फार्मास्यूटिकल कंपनी मेडली फार्मास्यूटिकल कंपनी या लिमिटेड की ये यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो गई। और उसके बाद ये उनके अलग अलग हेडिंग्स यहाँ पे हैं अबाउट दैट पर्टिकुलर कंपनी, प्रोडक्ट्स, कोलेबोरेशन, इंटरनेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देन दिस CSR और जिसे हम कहते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन कॉरपोरेट गवर्नेंस पॉलिसीज, सेफ्टी रिपोर्टिंग, और यहाँ पे है करियर ऑप्शन। तो अलग अलग कंपनी में एक तो यहाँ पे करियर करके एक ऑप्शन वहां पे रहता है या फिर वहां पे जॉब ओपनिंग रहता है। तो आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस करियर, करियर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अभी अगर उस कंपनी में कुछ ओपनिंग्स हैं तो वो ओपनिंग्स यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन उन्होंने दिया है व्यू आवर ऑल ओपनिंग्स, तो इस पे क्लिक करने के बाद इस कंपनी में जो भी ओपनिंग्स हैं ये पूरे ओपनिंग्स या फिर पोजीशंस यहाँ पे ओपन हो रहे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए कि स्किल्स, डेजिग्नेशन, देन डिजायर्ड लोकेशन, देन एक्सपीरियंस। अगर आपका समझो एक्सपीरियंस 3 साल का है तो उस पर्टिकुलर जो भी रिक्वायरमेंट है कम से कम 3 साल एक्सपीरियंस की, तो उस पर्टिकुलर जॉब यहाँ पे ओपन हो जाएगी। उसके बाद ये मिनिमम
पैकेज यहाँ पे दिया है उन्होंने मैक्सिमम, और वहां पे ऑप्शन है सर्च। अगर आपको आपका सीवी उन्हें सेंड करना है तो यू कैन ड्रॉप यूर सीवी फ्रॉम दिस लोकेशन हियर। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका सीवी अपलोड करने के उन्होंने प्रोविजन है यहाँ पे दी है, तो आपका सीवी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। अभी जो हमने क्लिक किया था जॉब ओपनिंग्स पे, तो ये अलग अलग जॉब ओपनिंग्स यहाँ पे आ गए। सो दीज आर द डिफरेंट जॉब ओपनिंग्स, सो दीज आर द करंट ओपनिंग्स एंड 1 to 10 out of 16। ओके, और यहाँ पे पहली जो ओपनिंग है वो है एरिया सेल्स मैनेजर, और उन्होंने लोकेशन दी है पटना। सो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब कंपनी ये मेडले फार्मास्यूटिकल कंपनी है नागपुर की, लेकिन इनकी जो ओपनिंग्स है वो कहाँ पे है, पटना में ओपनिंग्स है, क्योंकि क्योंकि दिस पोजिशन इट इज ऑफ एरिया सेल्स मैनेजर। सो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से आती, तो उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे दी है, और ये पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। उसके बाद है जोनल सेल्स मैनेजर, लखनऊ की ओपनिंग है, लखनऊ हेडक्वार्टर। तो इस तरह से यहाँ पे पैकेज भी उन्होंने दिया है, एक्सपीरियंस 10 to 15 years, सो नॉट डिस्क्लोज पैकेज, और कुछ जगह पे इन्होंने मतलब ये दिया है। तो इस तरह से आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो, और यहाँ पे भी आप जॉब्स बाय रोल, अगर आपको रिसर्चर करके जॉब करना है, सो दीज आर दी जॉब्स बाय रोल, सो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिसर एट तारापुर। ओके, तो ये मतलब पोस्ट यहाँ पे है, अगर आपने वैसे सर्च किया अकॉर्डिंगली यहाँ पे पोस्ट आ जाएंगे। तो ये रिसर्च हमने यहाँ पे डाला था, रिसर्च दैट इज अकॉर्डिंग टू द जॉब बाय रोल करके डाला था हमने। तो उसके बाद लोकेशन भी अगर हमको मुंबई में देखना है तो ये मुंबई के लोकेशंस आ जाएंगे। सो रिसर्च साइंटिस्ट दैट इज फार्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, 3 to 7 years एक्सपीरियंस, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, और अगर आप बाद में जब इस पे क्लिक करोगे तो उसके बारे में वहां पे डिटेल आ जाएगी। सो रिसर्च एंड साइंटिस्ट फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, लोकेशन मुंबई हमने डाला था यहाँ पे, एंड एक्सपीरियंस है फ्रॉम 3 to 7 years। ये जॉब डिस्क्रिप्शन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल, उसके बाद ये नेम, करंट कंपनी, मतलब ये इनकी डिटेल है, और यहाँ पे सैलरी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की है। सो देन मस्ट हैव की स्किल्स, डिजायर्ड कैंडिडेट्स प्रोफाइल, और यहाँ पे उन्होंने दिए एजुकेशन दैट इज MS MSc साइंस, एनी स्पेशलाइजेशन, और एम फार्मा एनी स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे मतलब ये पूरा उन्होंने डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। अगर आप इस आपको इस पोस्ट को अगर अप्लाई करना है तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से ये अलग अलग जॉब ओपनिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। अगेन अगर आपको कुछ स्पेशल वर्ड्स यहाँ पे डालने हैं तो ये सर्च बाय नेम यहाँ पे दिया है। अगर आपको समझो अभी नागपुर में ही देखना है तो ये, अगर हमें नागपुर में जॉब में देखना है, नागपुर में ही जॉब करना है, तो आप यहाँ पे उसी तरह से ये आप डाल सकते हो दैट इज नागपुर। उसके बाद सर्च बाय नेम्स अदर करके हमने डाला, तो अगर कुछ ओपनिंग्स वहां पे रहेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। ये ओपनिंग्स एक ही आ गए, ओपनिंग विद मेडली फार्मा फॉर RSM कार्डियो एंड डायब सेगमेंट। ओके, तो ये 9 to 14 years एक्सपीरियंस, ये पैकेज इन्होंने दिया है, दैट इज देन चेन्नई, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, पुणे, कटक, एंड ये इस लोकेशंस पे ये ओपनिंग्स है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो पूरे डिटेल वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरह से आपको ये जॉब सर्च करना है। ये एक एग्जांपल मैंने बताया मेडली फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी का, और दूसरा भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। सो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अलग अलग कंपनीज यहाँ पे आई है, समझो अभी हमें दूसरे कंपनी में जॉब देखना है, अल्केम लैब्स लिमिटेड वाड़ी नागपुर। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। अभी कुछ वेबसाइट नहीं दिया है लेकिन आप सर्च कर सकते हैं। सो सपोज जिनोवा फार्माक्टिव, देन MEV फार्मास्यूटिकल्स, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ल्यूपिन लिमिटेड है यहाँ पे, समझो मैंने ल्यूपिन लिमिटेड पे क्लिक किया, ये पूरे नागपुर की कंपनीज है। अगर आपको दूसरा कुछ देखना है यहाँ पे एग्रीकल्चरल कंपनी भी, तो आप यहाँ पे एग्रीकल्चरल कंपनीज करके डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको ये जॉब सर्च कर सकते हो, जॉब ढूंढ सकते हो, अगर कौन से भी कंपनी में, कौन से भी सेक्टर में या फिर ब्रांच में आपको जॉब सर्च करना है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो।
चाहे वो पूना सिटी हो, चाहे वो नांदेड़ सिटी, औरंगाबाद सिटी हो, या फिर अलग अलग. सो होप ऑल ऑफ यू लाइक दिस वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड टू सब्सक्राइब दिस माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपते. थैंक यू.